देख रहे हो कहां पर रॉड मार रहा है ट्रैफिक लाइट पे, पागल हो गया है। देख रहे हो कहां पर रॉड मार रहा है ट्रैफिक लाइट पे, पागल हो गया है। तो गाइस ये चेक करो, ये मैंने दिन को बैंक से पैसे निकलवा दिए हुए थे, बाकी जो पेमेंट है वो सारी हम ट्रांसफर करेंगे। तो चलो जल्दी से ये वाली पेमेंट दे के आते हैं। भाई पैसे गिर गए, देखो। सो फाइनली गाइस आज ड्रैग रेस होने वाली है, ड्यूक 390 वर्सेस केटीएम आरसी 390। ठीक है भाई, ड्रैग रेस करनी है, टुंडा होगी, ड्रैग रेस करनी है। जो जो मॉडिफिकेशन एक गाड़ी में हो सकती है ना, वो सारी मॉडिफिकेशन आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेंगी। आप लोग भी सुजेशन में बताओ। अब दिन में 5,000 सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, कम से कम 10,000 बढ़ने चाहिए यार। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, आप लोगों के लिए न्यू सरप्राइज लेके आया हूँ। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब, होप सब अच्छे हो। तो गाइस देख रहे हो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है सीधा अपने घर से, और गाइस अभी रात के बज रहे हैं 12। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं रात को 12 बजे ब्लॉग क्यों शुरू कर रहा हूं। तो गाइस ये चेक करो, ये मैंने दिन को बैंक से पैसे निकलवा दिए हुए थे, ये देख रहे हो, ये आप गेस करो कि कितना अमाउंट है, ये देखो। और ये मैंने किस चीज के लिए निकाले हैं, अमाउंट देख लो, ये देखो। तो गाइज आप लोग गेस करके मुझे एक चीज बताओ कि ये पैसे मैंने किस चीज के लिए निकाले हैं। ठीक है, तो गाइज मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा नहीं, ठीक है, अभी आप लोगों के लिए सरप्राइज है। बस जैसे कि मैंने आपको बोला था, जैसे हमारे 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, मैं सरप्राइज पे सरप्राइज देना स्टार्ट कर दूंगा आप लोगों को। तो पहला सरप्राइज ये है, ठीक है, तो मैं एक प्रोजेक्ट कार बनाने वाला हूँ। ठीक है, प्रोजेक्ट कार कौन सी होने वाली है वो अभी आपको नहीं बताऊंगा, ये बता देता हूँ होंडा की गाड़ी है। ठीक है, पर नाम नहीं बताऊंगा पूरा कौन सी गाड़ी है कौन सी गाड़ी नहीं है। तो चलो गाइज अभी उसकी एक छोटी सी पेमेंट हमें अभी देनी है, बाकी जो पेमेंट है वो सारी हम ट्रांसफर करेंगे। तो चलो जल्दी से ये वाली पेमेंट दे के आते हैं। भाई पैसे गिर गए, तो चलो चलते हैं। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं अपनी गाड़ी में, और यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे हमारे साथ कौन कौन सा भाई है। ये रहे हमारे बीजू भाई, कैसे हो, हाथ तो मिलाओ, हाथ भी नहीं मिला रहे हो। और ये कौन है, ये गुत्थी से गैस करो कौन बंदा है, गैस करो जल्दी कौन बंदा हो सकता है बाबा, बोलना थोड़ा सा। और ये रहा खरगोश। तो गाइस यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा कैश है, ये देख रहे हो। तो अभी चलते हैं, न्यू कार तो आ रही है गाइस, हम प्रोजेक्ट कार बनाने वाले हैं। ठीक है, अभी रिवील नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि क्या रहने वाला है क्या नहीं रहने वाला है। तो चलो अभी जल्दी से चलते हैं, एक पेमेंट करते हैं, बाकी सारी ट्रांसफर कर लेंगे। तो गाइस अभी काउंटिंग हो रही है वापस से, ठीक है, भाई प्यार से पकड़ो पैसों को। है भाई, बैंक से निकलवाए थे दिन को, डाका डुका तो ना मारा कहीं। हैं, क्या लगता है आपको, ये लो भाई आप भी गिनो। तीन चार अंदर से यार, मैं ले आता हूँ रबड़ा, आप गिनने वाले तो बनो पहले। चलो चलो पहले मैं सबकी स्पीड दिखाऊंगा, चलो 1 2 3 गो। 1 2 एक मिनट रुक जा पहले, यार एक एक करके सबकी दिखाएंगे ना। यहाँ पे गाइस नोटों का कारोबार शुरू हो चुका है, पिंड बोतिया नु शक है ब्लैक कर दे। भाई तैयार सबसे फास्ट है भाई, वो रहने दो बात, वो तैयार देखो, रेस्टोरेंट ओनर देखो, ये चेक करो ऐसे वैसे गिनते हैं बाबा। आप तो सबसे आहिस्ता गिन रहे हो, आप चुप ही रहो। फर्स्ट पे तू है, ठीक है, सेकंड पे ये, थर्ड पे, पर गिने मोटू ने सबसे जल्दी, ये क्या चक्कर है। अच्छा मतलब तुम्हारी बस पास पास दिख रही है, 90 पकड़, ये 90 ज्यादा है, या 90 गिन रहे भाई तू हार गया, ये 90 है, 90 91 80, पूरी थोड़ी नहीं पहले। अच्छा अच्छा, अलग अलग रखे, नहीं पकड़ा क्या जो मैंने दी वो, अबे ये है यार, मैंने नहीं किया मिक्स, ये ले ऐड, ये ऐड कर ले उसमें। गाइज अभी सीन पता है कि हम सारा ट्रांसफर भी कर सकते थे, पर यार मेरी लिमिट हो चुकी है, और एक ना मेरे बैंक का मसला चल रहा है, ठीक है, तो मुझे कैश ही निकलवाना पड़ा। तो अभी आ रहे हैं लड़के रबड़ लेके। The next day. Hello everyone, कैसे आप सब, होप सो बच्चे को सब वेलकम ऑल ऑफ यू चैनल ऑल इन ब्लॉग्स। कैसे मेरी YouTube फैमिली, होप सो बच्चे को। तो गाइस देखो आज का ब्लॉग भी शुरू हो रहा है डायरेक्ट अपने रूम से। सो गाइस आप लोगों को पता होगा कल 12 बजे हम कहां गए थे इतना सारा कैश लेके। तो गाइस मैंने आपको बताया था रात को कि मैं एक ड्रीम कार प्रोजेक्ट तैयार करने वाला हूं, ठीक है। तो मैंने बड़े टाइम से कोई गाड़ी ढूंढ रहा था, जैसे पोलो जीटी होगी, स्विफ्ट होगी, जो छोटी गाड़ियां रहती है ना, तो मैं वो ढूंढ रहा था, बिकॉज मुझे उसको ना बहुत ही खतरनाक जो ड्रीम कार प्रोजेक्ट होता है ना, मतलब एक ड्रीम कार होती है ना, वो बनाना था। तो फाइनली गाइस मैं वो गाड़ी लेके आ चुका हूं। अभी गाड़ी कौन सी, अभी मैं रिवील कर दूंगा, पहले मैंने सोचा था रिवील नहीं करूंगा। आप लोगों को पता है मैं अपनी फैमिली को ज्यादा परेशान नहीं करता, मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूंगा भाई गेस करो कौन सी गाड़ी ली है, हमने क्या किया क्या नहीं किया है। तो गाइज अभी हम गाड़ी रिवील करने वाले हैं नीचे, और उसमें क्या क्या होने वाला है वो मैं आपको अभी बता दूं। मैं उसको पूरी बॉडी किट डलवाने वाला हूं, मतलब पूरी चेंज करने वाला हूं, जैसे आपने दिल्ली में गाड़ियां देखी
देखी होगी ना, वैसी हम चीज तैयार करवाने वाले हैं। तो अभी नीचे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। और आज के ब्लॉग में आपको ऑफ रोड भी देखने को मिलेगा, तो बहुत मजा आएगा। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि 2 मिलियन पे सरप्राइज आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो गाइस पहला सरप्राइज आ चुका है, बस 2 मिलियन का वेट है। जल्दी से जाओ हमारे 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाओ। आप लोग क्यों नहीं करवा रहे मुझे समझ नहीं आ रही है। वैसे तो इंस्टाग्राम पे बहुत सपोर्ट आ रहा है, बहुत डीएम आ रहे हैं, बहुत मेंशन आ रहे हैं, बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। तो चलो अभी नीचे चलते हैं, मैं आपको अपने 2 मिलियन का सरप्राइज दिखाता हूँ। सो फाइनली गाइस अभी हम नीचे आ चुके हैं, और गाइस यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे लगा है अपना हल्क, यहाँ पे चेक करो गाइस, यहाँ पे लगी अपनी BMW GT। और गाइस जो आज का हमारा ब्लॉग है वो रहने वाला हमारी न्यू KTM RC 390 पे। ये चेक करो गाइस, ये लगी है न्यू KTM RC 390। गाइज यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे लगी है अपनी अमेज, ये चेक करो, ये लगा है अपना बुलेट, ये देखो भाई, और ये है वो सरप्राइज। सो फाइनली गाइज ये चेक करो, ये है वो गाड़ी जो हमने ले ली है। सो गाइज ये है सिटी होंडा, आप लोगों को तो पता ही है। ये चेक करो, ये देख रहे हो अभी ना, अभी इसका कलर मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसका ग्रेइश कलर है। इस पे सबसे पहले ब्लैक PPF होने वाला है, आपको पता है हम गाड़ियां ब्लैक ही रखते हैं, तो इसको ब्लैक कर देंगे, पूरा पूरा जेट ब्लैक करवाएंगे। फिर इस पे ना मैं बॉडी किट डलवाने वाला हूँ, ठीक है, इसमें बहुत ही खतरनाक वाली मॉडिफिकेशन करवाएंगे। ये पेट्रोल है तो इसमें एग्जॉस्ट भी डलवाने वाले हैं, बहुत मजा आएगा। लुक चेक करो अभी गाड़ी की, ये देख रहे हो क्या बात है। अभी ये जैसी आपको लग रही है ना, ये वैसी नहीं लगेगी, ये पूरी चेंज हो जाएगी। ये देखो, देख रहे हो, सबसे अच्छी चीज पता है क्या गाइस, ये पेट्रोल है तो इसमें एग्जॉस्ट का ना जो सिस्टम डलेगा वो बहुत अच्छा एग्जॉस्ट सिस्टम डलेगा। तो वेल्वेट्रॉनिक डालेंगे, फुल सिस्टम एग्जॉस्ट डालूंगा जो कि बहुत लाउड रहने वाला है। आप लोगों को याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी दिल्ली में, जिसमें येलो कलर की ऐसी सिटी होंडा थी, वो भी बहुत खतरनाक तैयार हुई थी। वैसे ही कुछ करेंगे, पर उसमें बॉडी किट नहीं थी, हम बॉडी किट भी डलाएंगे। तो मैंने अपना सरप्राइज रिवील कर दिया, पहले मैंने सोचा था रिवील नहीं करूंगा, पर रिवील कर दिया गाइस। तो चलो अभी जल्दी से निकलते हैं, बाइक को बाहर निकालते हैं। ये चेक करो यहाँ पे लगी है बाइक, तो जल्दी से मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पहनते हैं। So guys, ये चेक करो अभी हमने मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पहन लिया है एंड गाइस आज ना आपको बहुत खतरनाक वाला ऑफ रोड दिखाने वाले तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। So guys, ये चेक करो, ये है अपनी गाड़ी की चाबी, चलो आपको इसका अंदर से इंटीरियर वगैरह भी दिखाते हैं। So guys, जो जो पॉसिबल चीजें हो सकती है ना गाड़ी में, वो मैं इसमें डलवाने वाला हूँ। मतलब इतनी खतरनाक वाली मॉडिफिकेशन होने वाली है ना, जो जो मॉडिफिकेशन एक गाड़ी में हो सकती है ना, वो सारी मॉडिफिकेशन आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेंगी। आप लोग भी सजेशन में बताओ कि हम सिटी होंडा में क्या क्या चीजें डलवा सकते हैं। सबसे पहले मैंने इस पर लगाना है स्पॉइलर, बिकॉज सिटी होंडा पे स्पॉइलर बड़ा सही लगता है। दूसरा मैंने इस पर ब्लैक PPF करवाना है, फिर बॉडी किट डलवाना है, अलॉयज चेंज करवाने हैं, इसको पूरा जेट ब्लैक करना है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। आपके पास भी जो आइडियाज होंगे वो भी बताना आप, ठीक है। एम्बियंस वगैरह इसमें नहीं लगे, एम्बियंस भी लगवाने हैं, सब कुछ करना है, ठीक है। तो खतरनाक मॉडिफिकेशन करेंगे, फिर इसको 2 मिलियन पर रिवील करेंगे, ठीक है। आपका काम क्या, आपको बस 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाने हैं। आज मैं आपको बताता हूँ हमारे सब्सक्राइबर्स कितने हैं। गाइस कल से हमारे 5000 सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं, ठीक है, मतलब दिन में 5000 सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। कम से कम 10000 बढ़ने चाहिए यार, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। आप लोगों के लिए न्यू सरप्राइज लेके आया हूँ, तो सब्सक्राइब कर लो इसी बात पर, ठीक है। तो चलो गाइस अभी जल्दी से चलते हैं, हमें ऑफ रोड करने भी जाना है, मैं बहुत लेट हो गया हूँ। गाइस अब पार्किंग का इशूज है, घर पे 3 गाड़ियां हो गई है, फिर बाइक्स भी 3-4 है यार, कहाँ पे क्या लगाना है कुछ समझ नहीं आ रही यार। पार्किंग तोड़वानी पड़ेगी भाई, और कोई चारा नहीं है। सो गाइस यहाँ पे चेक करो, यहाँ लगी अपनी KTM RC 390। चलो इसको जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, ये गियर में है। सो गाइस ये हो गई स्टार्ट। क्या हुआ है, कैसे फट गया, फट गया टायर, टायर फटा, और ये तो पूरा गंजा हो गया, चलते चलते फट जाएगा यार, बिली मार देंगे और क्या होगा, खत्म है ये टायर, बाबा गिरेगा इस पे से। अल्फा H1 डाला है, यही डालना जो मैंने डाला है ना, ये सही है, सबसे सेक्सी टायर है। हाँ जी, सो फाइनली गाइस आज ड्रैग रेस होने वाली है, ड्यूक 390 वर्सेस KTM RC 390, ठीक है भाई। ड्रैग रेस करनी है, टूंडा होगी, ड्रैग रेस करनी है गाइस। ये देखो भाई, ये डाला भी लेके आ गया, वो इसको क्यों ला रहा साथ में, इसको क्या करना है, इसको तभी मैं रुलाना है। हाँ मेरी, ये टायर फट जाएगा भाई, ये खत्म है टायर, ये देखना हालत, देखना इसकी, ऐसा टायर आज तक मैंने नहीं देखा भाई, मैंने भी बहुत गंजे किए टायर भाई। तेरा सेटअप कहाँ है यार, मैं सेटअप ही नहीं ले, पागल हो ना अब सो गाइस आपको खतरनाक सी एक सिटी राइड दिखाते हैं। कहाँ गया, किधर गया ये, ओ भाई ये देखो, ये ऊंट लेके आया हुआ भाई, ये ऊंट लेके आया ड्रैग रेस लगाने, ये देखो, ये देखो, देख रहे हो, देख रहे हो कैसे चल रहा है। चल
चल चल चल चल चल चल चल चल चल भाई रेत पड़ी थी चलो 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 कहां पर लोड मार रहा है क्या हो गया इसको ट्रैफिक वाले के सामने पर लोड मार रहा है बेवकूफ आमिर क्या कह रहा है वो क्या हो गया तेरे को भाई कहां पर लोड मार रहा है यार ये पागल हो गया है ओए भाई ये कहां पर लोड मार रहा है देख रहे हो कहां पर लोड मार रहा है ट्रैफिक लाइट पे पागल हो गया है क्या कर रहा है यार भाई क्या करता है यार ये बंदा मुझे इसकी समझ नहीं आती है भाई खुद तो अंदर होगा मुझे भी अंदर करवाएगा साथ में यार इसको थोड़ा आगे चलने दो यार क्या करता है भाई तू एक बंदा भाई ऊंट लेके आया हमारे बीच में वो ऊंट चला रहा है ओ भाई किधर रह गई ये क्या हुआ हाँ हाँ आराम से चला तू तेरी टांग को भी लगी है इसको मैं यही समझा रहा हूँ आराम से चल भाई ये देखो ये देख रहे हो ये देखो देखो ये देखो ये देखो भाई इस लीन पे मेरा इतना गंदा क्रैश हुआ था ना क्या बताऊं आप लोगों को ए तभी मैं ब्रेक मार देता मुझे इसका पता है भाई इसको बिल्कुल आराम से चलना चाहिए इस टाइम इसकी टांग को भी लगी है पर ये सुनता नहीं ना चल 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 ओए देख रहे हो लड़का क्या करता भाई ये भाई मुझे वीडियो कैप्चर भी करनी होती है मैं तभी स्लो होके आराम से लेता हूँ ओए 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 आराम से क्या हुआ नहीं चल रही ओ बेचारी बाइक खराब कर दी यार इस बंदे ने ओ भाई भाई कितनी फॉर्च्यूनर चल रही है एक दो तीसरी आ गए भाई देख रहे हो क्या बात है सो फाइनली गाइस हम बस पहुंचने ही वाले हैं सिद्रा क्या बात है क्या लीन चल रहे है भाई क्या लीन चल रहे है कहाँ गए लोंडे ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई।